दोस्तों द मोस्ट अवॉटेड वीडियो हैज कम अल्टीमेटली। जैसा मैंने अनाउंस किया था कि स्टिंगरेस का एक बहुत बड़ा स्टॉक आने वाला है, तो स्टिंगरेस का तो स्टॉक आ ही गया है दोस्तों, लेकिन उसके साथ एरोना का भी स्टॉक आया हुआ है, पीकॉक वास का भी आया हुआ है, पैरोट का भी आया हुआ है, रेड फ्लैक्टिल का भी आया हुआ है। तो इस शिपमेंट जो हुआ इसमें भी बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारा स्टॉक है। सो दोस्तों पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको मार्क कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पूरा वीडियो देखते हैं, और इस चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों ये देखिए पार्सल आ चुका है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले कार्टून को हमारे फिश रूम के सामने वन बाई वन करके इसको रख देते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग पहले सारा कार्टून वैन से उतार ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको ओपन करेंगे। और चलिए पहला पार्सल खोलते हैं, और इसमें है सिल्वर एरोना। सिल्वर एरोना का छोटा साइज इस शिपमेंट में आया हुआ है, और इसको हम लोग पहले टैंक में थोड़ा डिप कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है वो है टॉसिंग प्रोसेस, हम लोग उसको टॉस करेंगे। और ये हम लोग पॉट में रख के सारा एरोना का छोड़ दे रहे हैं। और चलिए इसका साइज़ आप लोगों को दिखाते हैं, और ये लगभग 4 इंच के आसपास है ये सिल्वर एरोना का, ये बेबी एरोना का साइज। और ये हम लोग इसको अभी टैंक में डाल दिए हैं। सिल्वर का स्टॉक जो आया हुआ है दोस्तों वो तो आपने देखा ही है, लेकिन सिल्वर एरोना जो आया है ये बेबी सिल्वर एरोना जो हम लोग बोलते हैं वो है, मतलब इसका साइज है लगभग 3.5 से 4 इंच के अंदर। सो जो मेरे हॉबिस्ट फ्रेंड है जो हमेशा मुझे फोन करते कि दादा छोटा सिल्वर नहीं है, छोटा सिल्वर नहीं है, तो उन लोगों को मैं बोलूंगा छोटा सिल्वर तो है, लेकिन बिफोर परचेस्ड यू मस्ट थिंक ट्वाइस। क्यों? क्योंकि ये छोटा जो सिल्वर है इसको फीडिंग करवाना, ठीक से रखना, ये लेकिन बहुत टफ है। तो तभी आप मुझे इंक्वायरी करना, मुझे छोटा सिल्वर रखना है, मैं रख पाऊंगा कि नहीं। अगर आपको पूरा जानकारी है इसके बारे में, आप कॉन्फिडेंस है रख पाओगे, या फिर हम लोग जैसे बोलेंगे उस तरीके से रख पाओगे, थोड़ा रिक्सी है, तभी आप इसको परचेस करना। अदरवाइज जो लोग होलसेलर है वो लोग तो जरूर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए और भी स्टॉक है उसको आगे देखते हैं। और ये जो कार्टून है इसमें पैरोट का स्टॉक है, फ्लैक्टिल का स्टॉक है, अलग अलग वैरायटी का स्टॉक है। और ये देखिए हम लोग पैरोट को अभी ये टॉस में बैठा दिया है, ये पानी ऊपर से थोड़ा नीचे आ रहा है टैंक से। और ये देखिए पैरोट का रेड एंड येलो, और ये लगभग साइज़ है 3 इंच का। और ये पीकॉक वास का देखिए एकदम छोटा साइज़ है, ये जनरली हम लोग रेजिंग के लिए आए हुए हैं, इसका अभी सेल चालू नहीं होगा दोस्तों, ये 2 इंच के आसपास है। और ये रेड फ्लैक्टिल ये भी 2 से 2.5 इंच के आसपास है, ये हम लोगों ने एशियाटिक जो टैंक में है उसी टैंक में इसको छोड़ के रखा है, ये छोटा है तो आराम से रह जाएगा। एंड हियर इज द लास्ट स्टॉक जिसके लिए ये वीडियो में हम सभी वेट कर रहे थे, स्टिंगरेस। यस, स्टिंगरेस का 5 इंच से 8 इंच का बॉडी साइज़, जो बॉडी डायमीटर होता है उस साइज़ का आया हुआ है। और ये देखिए हाइब्रिड है, मोटोरो है, रिंग लेपर्ड है, पर्ल है, बहुत सारा वैरायटी, अभी एक एक करके आपको दिखेगा। ये पैकेट से हम लोग एक एक करके थर्माकोल का जो पेटी है उसमें हम लोग डाल रहे हैं। ये देखिए बहुत सारा वैरायटी है, और देखिए हाइब्रिड में भी कितना सारा वैरायटी है, जो पर्ल है उसमें भी क्वालिटीज़ अलग अलग है। मोटोरो जो जनरली सब कोई फर्स्ट चूज़ करता है एज़ पर बजट, ये देखिए हाइब्रिड का एक वैरायटी तो वो भी आया हुआ है। सो सभी अपना अपना बजट के हिसाब से बहुत सारा वैरायटी है, आप आराम से ले पाओगे। और साइज़ का भी इतना सारा वैरायटी है कि आपका टैंक अगर बहुत बड़ा नहीं है तो भी आप रख पाओगे। और ये हम लोग थोड़ा जो हम लोगों का टैंक है जिसमें इसको छोड़ने वाले, उस टैंक से पानी लेके इसको थोड़ा टॉस करें कि टेम्परेचर इक्वल हो जाए। और अल्टीमेटली हमारा जो 6 फिट का टैंक है हम लोगों का, उसमें हम लोग ये सारा स्टिंगरेस को छोड़ दिया। देखिए कितना सारा वैरायटी है, सारा स्टिंगरे आराम से मूव कर रहा है, सभी सेट है, सभी ओके है। कभी कभी जर्नी में स्ट्रेस में आ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों आज का वीडियो में आप लोग देख लिए पूरा क्या क्या स्टॉक आया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कुछ जो छोटा फिश है वो कुछ कुछ रेजिंग होगा और कुछ कुछ सेलिंग के पर्पस आया हुआ है। लेकिन स्टिंगरेस का स्टॉक जो आपने देखा, बहुत सारा वैरायटी देखा, बहुत सारा साइज देखा, सो आपके टैंक के लिए कौन सा सुइटेबल है आप उस हिसाब से फिश परचेस कीजिए। लेकिन फिश परचेस करने से पहले, बाय करने से पहले, जैसा मैंने एक वीडियो में, इस वीडियो का पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि स्टिंगरेस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट क्या चाहिए, वो जरूर आप तैयार कीजिए, तभी आप स्टिंगरेस को अपने पास लेके जाइए। दोस्तों मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। इस चैनल को अगर अच्छा लग रहा है
तो चलिए सब मिलके इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच, सबाई खूब भालो थाकबेन।